हेलो एवरीवन गाइस, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफ के पीछे परेशान हूँ। क्योंकि मैंने एक जॉब क्लियर किया है और अभी उसका फाइनल डीवी होने वाला है और साथ ही साथ वहाँ मेडिकल भी होगा, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। इसलिए परेशान हूँ क्योंकि गाइस देख सकते हैं मेरे हाथ में है इतने बड़ा टैटू। तो गाइस टैटू के वैसे थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मेरा जो है SSCGD का एग्ज़ाम था और SSCGD का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हम और अभी फाइनल जो है अभी DV बाकी है और मेडिकल बाकी है, तो जिसको वहाँ से रिजेक्ट भी कर सकता है, तो जिसके लिए मैं काफ़ी परेशान हूँ और ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। कल मेरा अभी UG का एग्ज़ाम भी है, तो UG कल मेरा एग्ज़ाम है, UG का एग्ज़ाम देंगे और शाम को निकलेंगे और 19 को मेरा DV प्लस मेडिकल भी है, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, मुझे सेलेक्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। तो गाइस आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, मेरे लिए ज़रूर प्रे करिए क्योंकि मैं यहाँ तक बहुत ही एफर्ट ला के पहुँचा हूँ, ठीक है, और कैसे तक यहाँ पहुँचा हूँ वो जर्नी पर आप लोग शेयर करूँगा अगर मेरा होता है। तो गाइस आप लोग ज़रूर प्रे करिए कि मेरा ये DV में हो जाए। मेरा फैमिली वाला का बहुत एक्सपेक्टेशन है कि बेटा सरकारी नौकरी करेगा और उसके लिए मैंने जी जान लगा दिया है और मेरा ये लास्ट चांस है, इसके बाद मेरा होगा भी नहीं। तो गाइस कोरोना की वजह से मेरा जो 3 साल एक्सटेंड कर दिया उसी की वजह से मेरा इस बार बुला लिया गया, बट नहीं तो मेरा इस बार होता भी नहीं। तो क्या इसका रिजल्ट होगा, हम DV के लिए कल निकलेंगे, कल शाम को, और परसों मेरा DV है, उसके बाद हम लोग बताते हैं आप उनको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बताएं कि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ कि नहीं, उसमें साथ ही साथ शायद बता देता है कि आप सेलेक्ट हो रिजेक्ट हो। तो चलिए देखते हैं कि सेलेक्ट हो पाएँ कि नहीं हो पाएंगे। और जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं भाई, मेरे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने भाई को भाई सपोर्ट करिए और आप कमेंट करिएगा कि आपका भी अगर DV है SSCGD का और टैटू तो बनाया है तो कितना बड़ा साइज है दिखाइएगा जरूर और कमेंट कीजिएगा और आपका DV में क्या हुआ, ठीक है। जो भी भाई लोग SSCGD का DV के लिए जा रहे हैं, आप सबको बेस्ट ऑफ लक भाई, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका लाइफ में। अगर आप सेटल हो जाते तो आपके घर वाले जो है आपसे एक्सप्रेशन और पूरा हो सकता है, ठीक है, आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अब मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ गाइस, बट मेरा जो है फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट अपने ड्रीम्स को ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। बट ये अगर हो जाता है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, तो जो भी मेरे भाई लोगों ने उन सबको मैं सपोर्ट भी करूँगा, ठीक है। और बस इसी बात का डर है कि इतना बड़ा टैटू देख के मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, ठीक है। और मैंने तो बहुत ट्राई किया, मैंने लेज़र ट्रीटमेंट भी करवाया गया, ठीक है, इससे पहले आप देखते तो मेरा बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लेज़र ट्रीटमेंट के बाद इतना दिख रहा है, बट और एक दो लेज़र ट्रीटमेंट होता तो ये पूरा हट जाता, पता नहीं। और बड़ी जल्दी इस बार तो DV के लिए बुला रहा, नहीं तो मेरा शायद लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा हट ही जाता। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।